बैक टू माई चैनल माही छेड़ा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल वाला वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि होने वाला आलिया भट्ट वेडिंग इंस्पायर मेकअप लुक। बहुत लोगों ने क्रिएट किया है तो मैंने सोचा मैं भी क्रिएट कर लूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, सॉरी फॉर दैट। बट स्पेशली मैंने बहुत सारा जो होता है मेकअप वगैरह, जो भी ज्वेलरी, और मुझे मतलब थोड़ा वक्त लगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेरे पास नहीं थी लुक क्रिएट करने के लिए। तो फाइनली मैं आज लेकर आई हूँ ये मेकअप लुक। एंड गाइस, क्या होता है ना, कोई भी सेलिब्रिटी मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए आपके पास पूरी चीज़ें हो ना हो, बट एटलीस्ट इतनी चीज़ें ज़रूर हो कि वो लुक से था थोड़ा आपका सिमिलर लगे। डिफरेंट तो मतलब नहीं होना चाहिए कि मतलब वो लुक कहीं और, वो लुक कहीं और, ऐसा ना हो। तो इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग गया, कुछ ज्वेलरीज थी और कुछ और भी चीज़ें थी, तो मैंने जुगाड़ वगैरह करके फाइनली सब कुछ हो गया है। तो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ, और अगर आप लोगों को फ़ैन की आवाज़ आती होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैंने फ़ैन ऑन रखा है। मेरे घर में एसी नहीं है इसलिए, तो ठीक है। तो मे बी शायद मैं म्यूट करूँ, वॉइस ओवरिंग करूँ, तो उसके थ्रू भी आपको समझाती जाऊँगी। और जो भी प्रोडक्ट्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक्स मिल जाएगा। एंड सबसे जो अच्छी बात है आलिया भट्ट की, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि मतलब बहुत ही सिंपल, सोबर, मतलब बोलते ना एकदम डिसेंट लुक, नो मतलब ब्राइट कलर्स, नो रेड लिपस्टिक, एकदम न्यूड मेकअप, न्यूड वेडिंग, मतलब वो थीम मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली। बिकॉज आजकल के मतलब जनरेशन की जितनी भी मतलब कपल्स हैं तो उनको होता है कि हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरी एंड हैवी गाउन्स, हैवी लहंगा, मतलब जो भी प्रीफर वो करते हैं, और रेड एंड पिंक कलर होता है, पिंकिश होता है, ब्राउनिश होता है। तो मतलब ये जो लुक था ना, मतलब ये तो हटके था, मुझे मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत हद तक उस लुक को रिक्रिएट कर सकूँ। और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि और ऐसे कौन से लुक है जो मैं क्रिएट करूँ आप लोगों के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अनुष्का शर्मा का ऐ दिले मुश्किल का जो मेकअप लुक है, वो जो आईज है उसकी, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, वो लुक भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर आज मैं करने वाली हूँ आलिया भट्ट का वेडिंग इंस्पायर मेकअप लुक। तो बहुत सी चीज़ें हो गई है, बड़बड़ चिक चिक हो गई है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहां पे जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर ग्रे कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस की मिल सके। और मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए और अप टू डेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी मेरे अदर्स चैनल है, जो भी डिटेल्स है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले स्किन केयर से स्टार्ट करेंगे। स्किन केयर मस्ट है, बिकॉज बिना स्किन केयर के कुछ भी बेस आपका होगा नहीं, तो स्किन केयर मस्ट है। तो सबसे पहले स्किन केयर स्टार्ट करेंगे। स्किन केयर बहुत ही मिनिमल है, जैसे कि आप, मैं यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ आलिया भट्ट की, आप देख सकते हैं कितना ही कम मेकअप, और यू नो बहुत ही न्यूड लिपस्टिक है, पिंकिश, लाइट पिंकिश टाइप आप कह सकते हैं, मतलब उस सटल सोबर सा मेकअप है। तो मतलब मेकअप में ज़्यादा झिकझिक मिकझिक नहीं है, कोई भी मेकअप लुक क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने फोटो लगाया रेफरेंस के लिए, तो आप लोग देखते जाइए मैं कैसे कर रही हूँ। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्किन केयर। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्लींजर। हम हमारे फेस को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी फेस वॉश किया है, बट मैं फिर भी मैं एक वेट वाइप से अपने चेहरे को क्लीन कर रही हूँ, ये मस्ट होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ गुड वाइप्स का टोनर, ग्रीन टी टोनर, काफ़ी अच्छा टोनर है ये। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तब मुझे ये फैन से बार बार करना पड़ रहा था। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर मॉइस्चराइज़र, जो कि लैक्मी का पीच मॉइस्चराइज़र है, समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और अफोर्डेबल में भी है। सारे प्रोडक्ट्स मैंने अफोर्डेबल ही यहाँ पर यूज़ किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया NYBA का प्राइमर, जो कि आपके पोर्स को फिल कर सके, काफ़ी अच्छा प्राइमर मुझे लगता है, इसलिए मैं बार बार यूज़ करती हूँ। और आई थिंक ये मेरी सेकेंड ट्यूब है, आपके चिन एरिया पे, आपके नोज़ पर आप इसे लगाइए अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अपने लिप को बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, लिप मॉइस्चराइज़र है, सॉरी लिप बाम। देन मैंने यहाँ पे लिया है मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्विस ब्यूटी का कंसीलर। जो भी हमारा हाइलाइटेड एरिया है उसको हाइलाइट करके कर लेंगे, मुझे थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट्स भी है तो मैंने वहाँ पर भी कर लिया।
बिकॉज ज़्यादा कलर करेक्शन भी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने कंसीलर से ही मतलब पूरे जो फेस पे थे डार्कनेस वगैरह उसको हाइड किए हैं। अभी आपको थोड़ा ये वॉश आउट लगता होगा, बाद में सब सेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, जो कि आई थिंक मैं शेड है 230, वो भी मुझे थोड़ा बहुत लाइट होता है, बट कोई नहीं, मैं मतलब हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत तो लगना चाहिए कि फाउंडेशन लगाया है। ब्लेंडिंग 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 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप। उसके बाद मैंने लिया है अफोर्डेबल में अगेन लैक्मी का कॉम्पैक्ट पाउडर, और मैं इसे एक फ्लफी ब्रश से अच्छी तरीके से उसे सेट कर रही हूँ, ताकि हमारा जो बेस हमने क्रिएट किया है वो सेट हो जाए काफ़ी अच्छी तरीके से। देन मैं यहाँ पर बार बार फोटोज़ देख रही थी आलिया भट्ट के, मतलब कैसा लुक क्रिएट किया है, मतलब देख रही थी मेरे रिफरेंस के लिए। देन मैंने यहाँ पे हिलारी रोड़ा का आई शेडो पैलेट लिया है, उसमें से मैंने एक कलर पीच नहीं कह सकते, मतलब इसको कौन सा बोलेंगे, एक मैंने चूज़ किया, आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक शेड से ही अपना आई मेकअप लुक कंप्लीट किया है, बिकॉज उसमें आलिया भट्ट ने भी कुछ ज़्यादा नहीं किया है, तो हम क्यों उसमें मतलब ज़बरदस्ती का कुछ भी ऐड करें, जितना हो सके न्यूट्रल रखें आप इस लुक को, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, टर्न आउट बहुत अच्छा होगा। देन मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ही आईब्रो फिलर लिया है, बहुत अच्छा है, मुझे इतना पसंद है ये, इतना अच्छा आईब्रो हो जाता है, मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे ना काफ़ी अच्छा बनेगा। इसमें आईलाइनर जेल भी है, मतलब 2-in-1 है, ये स्पूली भी आती है साथ में, तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी आईब्रो को ना फिल कर देता है, ये पेंसिल नहीं है, ये पाउडर फॉर्म में, बहुत अच्छा है, मस्ट ट्राई दिस। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मस्ट चेक इट आउट। उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्पूली के हेल्प से यहाँ पर मैं अपने आईलैशेस को थोड़ा सा कर रही हूँ। फिर मैंने उसके बाद लिया है अगेन ये आई थिंक ब्लू हेवन का था मस्कारा, बहुत अच्छा था ये भी अफोर्डेबल में। देन फेसेस कैनेडा का काजल, बहुत अच्छा काजल है ये भी, आप देख ही सकते हैं बहुत ही डार्क है, और एक दो स्ट्रोक में ही काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो मैंने एक दो स्ट्रोक करने के बाद छोड़ दिया, मैंने ज़्यादा नहीं किया ना, भूत नहीं लगने लगती मैं आलिया भट्ट बनना है ना थोड़ा थोड़ा, इसलिए। देन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मुझे ना ऑफ ऑफ लग रहा था, तो मैंने थोड़ा हल्का सा ब्लश ऐड कर दिया, बिकॉज हम सेम टू सेम तो आलिया भट्ट नहीं लग सकते ना, वो कहाँ स्लिम ट्रिम आलिया भट्ट, हम कहाँ, इसलिए तो थोड़ा सा ब्लश मैंने ऐड किया। देन उसी स्विस ब्यूटी पैलेट से ही ब्लश के उसमें हाइलाइटर है, तो मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया। हाइलाइटर के बाद तो मतलब फेस का लुक ही चेंज हो जाता है, मतलब बहुत सही लगता है। देन मैंने स्विस ब्यूटी का ये लिप बाम स्विस ब्यूटी का सॉरी लिप लाइनर मैंने यहाँ पे थोड़ा लिप को ड्रॉ करने के लिए मैंने लिया है। देन मैंने यहाँ पर जो लिपस्टिक आप देख रहे हैं, ये लिपस्टिक मैंने लिया है ब्लू हेवन का पाउडर मैट लिपस्टिक है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन वाओ क्या लिपस्टिक है, मतलब पाउडर मैट है, लगेगा ही नहीं बिल्कुल, मतलब ये कलर इतना प्यारा है, सारे स्किन टोन पे जाएगा, मस्ट ट्राई दिस आउट, ये भी अफोर्डेबल में है, काफ़ी अच्छा है। बस पूरा लुक फिनिश होने ही वाला है, यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी फाइनल फिनिश, क्या है हमारा मेकअप फिक्सर, इसके बिना तो अधूरा है। सो गाइस फाइनली लुक है पूरा क्रिएट हो चुका है, मैं हेयर्स एंड ज्वेलरी पहनने के बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स और अफोर्डेबल यूज़ करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया, वैसे भी आप लोगों को पता है आलिया भट्ट ने बहुत ही मिनिमल मेकअप यूज़ करके अपना वेडिंग लुक कंप्लीट किया है। सो यहाँ पर जो मेरा माथा पट्टी है जो है ये बार बार गिर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, और ये मेरे बाल काफ़ी बड़े, इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है ओपन इस तरीके से रखने में, और मेरे बाल ना मतलब कर्ल्स नहीं हो रहे थे, तो मैंने ऐसे ही ओपन
छोड़ दिए। एंड बताइएगा ज़रूर, मैंने एस इट इज़ क्रिएट करने का मतलब ट्राई किया है, ये बैंगल्स, ये चूड़ा एंड देन रिंग, और ये मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी, फोटोज़ यहाँ पर ही, यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्ट आप लोगों को लग रहा है क्या, ईयरिंग्स एंड देन ये पूरा सेट मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग में लिया था तो मुझे काम आ गया। देन ये ड्रेस वगैरह मैंने बहुत ही मतलब ट्राई, सो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को आलिया भट्ट का वेडिंग मेकअप इंस्पायर लुक कैसा लगा, और भी इंस्पायर लुक चाहते हैं आप अगर तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता। बहुत हद तक सेम टू सेम क्रिएट करने का ट्राई किया है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरीके के क्रिएट इंस्पायर लुक लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मेहनत भी लग गई इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।